अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पोटैटो स्लिम्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए, उनकी मैंने चिप्स काट लिए। मैंने थोड़ी मोटी चिप्स काटी है, ज़्यादा पतली नहीं काटी है। मैंने आलूओं के चिप्स काट के मैंने इसको 3-4 दफ़ा पानी से धो लिया था। इसका स्टार्च अच्छी तरह से निकल चुका है। अब मैं इसके बारीक बारीक फिंगर्स काट लूँगी। मैं इसी तरह सारे फिंगर्स काट लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने कितने बारीक फिंगर काटे। इसी तरह इतने ही बारीक मैं सारे फिंगर्स काट लूँगी। मैंने सारे फिंगर्स काट लिए हैं और एक बाउल में मैंने दोबारा से साफ़ पानी ले लिया है, उसके अंदर मैं इसे डाल दूँगी। मैंने सारे फिंगर्स को 3-4 दफ़ा पानी से दोबारा से वॉश कर लिया है और ये अच्छी तरह से वॉश हो चुका है। इसका सारा स्टार्च अच्छी तरह से निकल चुका है। इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैं इसे छलने में डाल दूँगी ताकि सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। जब तक चिप्स में से पानी निकल रहा है, मैंने एक पतीली में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। पानी में बॉयल आ गया है, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसके अंदर चिप्स डाल दूँगी सारी। मैंने सारी फिंगर्स को गर्म पानी में डाल दिया है। मैं इसे अच्छी तरह से डिप कर दूंगी सारी चिप्स को और मैं इसे 15 मिनट तक इसी तरह गर्म पानी में इसको छोड़ दूंगी। याद रहे कि मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया हुआ है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका पानी को ड्रेन कर दूंगी। मैं इसे छलने में डाल दूंगी ताकि इसका पानी सारा अच्छी तरह से निकल जाए। जब चिप्स में से सारा पानी निकल जाएगा तो मैं इसे पेपर टॉवल पर फैला दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। चिप्स हमारे ड्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अभी मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह डाल के मिक्स कर लेंगे। हमें इतना कॉर्नफ्लोर डालना है ताकि सारी चिप्स के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। मैं 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ क्योंकि अभी हमारी चिप्स पे अच्छी तरह से कोटिंग नहीं हुई है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 चम्मच ही डले। हमें जितनी ज़रूरत होगी हमें उतना ही कॉर्नफ्लोर डालना है, बस ताकि हमारी सारी चिप्स अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसे हल्के हाथों से बिल्कुल मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से सारी चिप्स पे कॉर्नफ्लोर लग जाए। सारी चिप्स पे अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है। अब मैं सारी चिप्स को छलने में डाल दूँगी। अब मैं इसे छान लूँगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है वो निकल जाए। जितना भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर था वो निकल चुका है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तेल को मैंने मीडियम गरम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं किया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चिप्स डाल दूँगी। 2-3 मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता चमचे से इसको मैं सारी चिप्स को अलग अलग कर दूँगी और इसको मुझे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। इसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चम्मच लगाना है वरना ये सारी चिप्स टूट जाएंगी। चिप्स को हमें चलाते हुए ही इसको फ्राई करना है और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लूँगी। चिप्स लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी। इसी तरह मैं बाकी फिंगर्स को भी फ्राई कर लूँगी। सारी फिंगर्स फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच और आधी चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आप नमक काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
पोटैटो स्लिम्स तैयार हैं। आप अपनी पसंद के मसाले भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसे किसी एयर टाइट जार में भर के रख दें, यह ख़राब नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।